वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने सक्सेसफुली ईपीएल का टेस्ट प्रिंट किया। अब हम काम करेंगे जीपीएल के ऊपर। तो मैंने अपना जो जीपीएल प्रिंटर है वो कनेक्ट कर लिया हुआ, ठीक है, RS4 एक पावर कनेक्टर के साथ, ठीक है, सही वर्क कर रहा है। पहले हमने काम किया था इसके साथ, EPL के साथ, ठीक है। अब मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ एल्स एंड कंट्रोल बी, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक ZPL। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जो ZPL का एक मैनुअल है वो आपको दिखाया था, ZPL 2। तो मैनुअल पे आते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं टेक्निकली जो ZPL में डिफाइन की गई हैं ज़ेब्रा की तरफ से। यह जी ZPL 2 प्रोग्रामिंग गाइड, ठीक है, इसमें ये मल्टीपल टाइप्स इन्होंने शो की हुई हैं। ये आप बारकोड की ये टाइप्स जो है वो प्रिंट कर सकते हैं ज़ेब्रा के थ्रू, ठीक है। तो इसमें जो मेन काम है मैं वहाँ पे आया था, टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे हम उठा लेते हैं जी डिफरेंट बार कोड्स पेज नंबर 16, कंट्रोल जी 16, मेकिंग इंस्ट्रक्शन This one. Let's start from here. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मजीद इसको मैं जूम करके चीज़ों को इजी कर देता हूँ। जहाँ अब यहाँ पे हम EPL और ZPL का थोड़ा सा कंपैरिजन करें, ठीक है। मैं आता हूँ जी, सबसे पहले हम आते हैं अपने EPL पे। EPL पे हमने क्या किया था, बारकोड की एक लिस्ट हमने जनरेट की थी, इसमें हमने फॉन्ट दिया था, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस एंड उसकी फर्दर कुछ वैल्यूज थी। हमने डायरेक्ट ए से स्टार्ट किया था और हमने एक लिस्ट बनाई, और जब हमने ऑर्डर भेजा था फॉर्म कोड को हमने पहले ब्लैंक स्पेस के साथ एंड देन लाइन के साथ, और उसके बाद जो हमने EPL की वैल्यूज जनरेट की थी वो हमने भेजी और नंबर ऑफ प्रिंट हमने बताया। अब ZPL में क्या होता है, ZPL की कमांड्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो कीवर्ड है पावर साइन XA, ये क्या इंडिकेट करता है कि लेबल का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद LH 3030, इट्स मीन सेट लेबल होम पोजीशन 30 डॉट फ्रॉम राइट एंड 30 डॉट फ्रॉम टॉप, मीन्स के वर्टिकल, सॉरी 30 डॉट हॉरिजॉन्टल एंड 30 डॉट्स वर्टिकल्स। फिर उसके बाद आता है FO। FO का मीन है कि आपकी यहाँ पे फील्ड जो है वो नेक्स्ट आप स्टार्ट करें, सेट फील्ड ऑरिजन 20 डॉट्स टू द राइट एंड 10 डॉट्स टू द टॉप टू बॉटम, मीन्स कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज फॉर द वर्टिकल, ठीक है। ये LH की इंडिकेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, जो आप 20 एंड 10, ये बेसिकली आपकी LH है, ठीक है, लेफ्ट एंड टॉप। उसके बाद है जी AD, AD है जी सिलेक्शन ऑफ फॉन्ट, ठीक है, D सिलेक्टेड फॉन्ट है। FD है फील्ड डेटा जो आपने प्रिंट करना है, वो आप FD के बाद देंगे, FD से पहले FO, ठीक है, फील्ड का ओरिजिन, उसके बाद फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया, फॉन्ट के बाद आपने डेटा दिया, एंड देन FS जो है वो उसकी डेटा का फील्ड का एंड है, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स हैं इसकी। स्टार्ट होगा ये XA से और एंड होगा XZ, ठीक है, XZ पे आप एंड करेंगे,
ठीक है। उसके बाद अगर आपने बारकोड फिल करना है, जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पे AD फॉर फॉन्ट, अगर फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, और B3 इज अ बारकोड 39। बारकोड पे आप प्रिंट कर रहे हैं 888001, और FS मींस के यहाँ पे डेटा एंड हो रहा है। ये आपको बताएगा B3 इज इक्वल टू सेलेक्ट कोड ऑफ 39 बारकोड, FD स्टार्ट फील्ड डेटा फॉर द बारकोड, और एक्चुअल फील्ड डेटा जो है वो ये है जो आपका एज अ बार्स प्रिंट होगा, और FS का मतलब है कि आपने उसको एंड किया। ये इसकी कुछ मिनिमम से रिक्वायरमेंट है ज़ेब्रा की, ZPL की। ZPL का तरीका का अगेन एक्स ए से स्टार्ट होगा, एक्स जी पे एंड होगा। जो भी आप कमांड्स क्रिएट करेंगे वो एक्स ए और एक्स जी के बीच में लिखेंगे। उसके बाद आप फील्ड का ओरिजिन सेट करते हैं, LH मींस कि उसकी लेफ्ट और राइट, उसकी हाइट वगैरह, ठीक है, वो आप यहाँ से देंगे। उसके बाद आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया, फॉन्ट के बाद आपने फील्ड का डेटा दिया और फील्ड डेटा को क्लोज किया। सेकंड फील्ड देनी है, सेकंड फील्ड दी, थर्ड देनी है, थर्ड दी, तो वो आपकी फील्ड का डेटा जो है वो FO से स्टार्ट होगा और FS पे एंड होगा। ये O है, नॉट जीरो, ठीक है। तो FO से स्टार्ट होगा, FS से एंड होगा, इसके बीच में आपका फील्ड डेटा आएगा। XA से आपका लेबल फॉर्मेट स्टार्ट होगा और XD पे लेबल फॉर्मेट एंड होगा, जो भी आपने फॉर्मेट बनाया है वो। फिर उसके बाद जो आप B3 सेलेक्ट करते हैं तो इसकी फिर फर्दर प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपने बार कोड सेलेक्ट किया या आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया तो उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आप इसी के अंदर सेट करते हैं। अब हम आते हैं उन प्रॉपर्टीज पे। ये जो ऊपर उसने दिया था AD आपने दिया, वो ये आ गया बार कोड 39। हमने उसमें B3 के अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं थी, तो वो इस तरह प्रिंट होगा, ठीक है, और एक्चुअल फील्ड डेटा ये है, ठीक है। ये y एक्सिस एंड x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ्ट से बॉटम की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ फर्दर फॉन्ट के एग्जांपल्स। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं AB54, ठीक है, ये उसकी हाइट है, 54 डॉट हाइट हो, 52 उसकी हाइट हो, ये उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज हैं जो कामा सेपरेटेड होंगी फॉन्ट के बाद। पावर साइन क्या, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये एक्स ए से स्टार्ट हुआ, FO 50 50 50 ऊपर से, 50 लेफ्ट से, CFD फॉन्ट सेलेक्ट किया गया, ठीक है, जिसके 26 उसकी साइज था, ठीक है, हाइट थी। उसके अंदर फील्ड डेटा दिया गया ज़ेब्रा, जो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ ज़ेब्रा डॉट 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 एंड FS क्लोज हो गया। उसके बाद एक नया फॉन्ट 50 मींस के हॉरिजॉन्टल एंड 100 फॉर द वर्टिकल मींस के यहाँ से लेके यहाँ तक 100। जो हमने EPL में किया था वो हम क्या कर रहे थे कि उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे थे, वो काउंट टॉप से बॉटम तक होता है, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने 50 के बाद 50 और ऐड हो गया तो ये 100 हो गया, मींस के टॉप से लेके यहाँ तक 100 डॉट्स छोड़े। उसके बाद आए फॉन्ट फील्ड डेटा, नो फॉन्ट, कोई फॉन्ट सेलेक्ट नहीं किया गया, बार नन, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका फॉन्ट था वो उसने था। उसके बाद AA सेलेक्ट किया गया ज़ेब्रा, एंड दिस फॉन्ट दोनों में फ़र्क है, ऊपर वाला CFD था, नीचे वाला AA फॉन्ट है, तो वो यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगेन FD बार कोड, नो बार्स, ठीक है, इसके लिए FD लिया गया, ठीक है, FD एंड CFD, ठीक है, ये इसके बार कोड की टाइप्स हैं। जो आप मैनुअल को इन डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट जो बार कोड्स हैं उनका आइडिया होता जाएगा कि क्या है, ठीक है, 1A 1B 1C 1D 1E, ठीक है। अब हम आते हैं फर्दर स्केलेबल फॉन्ट, ये उसकी मेजरमेंट का तरीका कार है, किस तरह की डॉट्स आती हैं, कितनी डॉट्स बनती हैं। अच्छा जी, ज़ेब्रा प्रिंटर कैन प्रिंट द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ बार कोड, ये बार कोड हैं जो ज़ेब्रा का प्रिंटर जो है वो बार कोड प्रिंट कर सकता है। कोड 1 to 8 की मैंने आपसे कहा था तीन टाइप्स होती हैं, A B एंड C सबसेट टाइप्स, तो हम
एक या दो मैं कर लूंगा, बाकी जो है वो आप इस मैनुअल को देख के स्टडी करके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, सैंपल बार कोड्स। अब हम आते हैं यहाँ B1 कोड 11 के लिए है, B2 इंटरमीडिएट 5 के लिए, B3 कोड ऑफ 39 के लिए है, B4 49 के लिए, B7 417 के लिए। ये तमाम उनके कोड्स लिखे हुए हैं जो आप यूज करेंगे। BC इज फॉर कोड 128 जो EPL में 1C के नाम से। ठीक है जी, इसी तरह ये तमाम के तमाम उनके कोर्स हैं और उनके फिर आगे कुछ रेशोज। ये जो रेशोज हैं यहाँ पे, ये रेशोज हैं उनके, आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको बताएगा कि उसकी डॉट्स की और जो फिक्स रेशोज हैं, या आप उनको बढ़ा सकते हैं, उनकी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ में वेरिएबल्स हैं और कुछ में जो ये फिक्स्ड है। अच्छा जी, अब आते हैं नीचे, इनके जो पैरामीटर्स हैं वो आप कामा सेपरेटेड सेटिंग्स में दे सकते हैं। मीन्स क्या, B3 है कामा कामा 228 कामा एंड, तो डेलिमीटर्स जो है वो बेसिकली कामा है। कामा सेपरेटेड आप इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डील कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये क्या क्या है तो हम आते हैं। अच्छा, अब बारकोड जो फर्दर जो टाइप्स हैं, अगर आपका न्यूमेरिक बारकोड है तो न्यूमेरिक बारकोड के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं रिटेल से रिलेटेड है, जिस तरह आपके मल्टीपल जो रिटेल आइटम्स होते हैं उनके ऊपर जो बारकोड्स हैं वो ये हैं, अल्फा न्यूमेरिक के लिए आप ये बारकोड यूज कर सकते हैं, टू डायमेंशंस के लिए आप ये बारकोड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, जो के हमारे जो काम की चीज़ है, जो रिलेटेड है, जो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इस मैनुअल से आप खुद स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तमाम कॉन्फ़िगरेशन RS की और ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी, 8 bit और जो भी हम सेटिंग करते हैं वो। नेक्स्ट जो आपसे रिलेटेड जो चीज़ है जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे, ताकि ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जब हम कोड कर रहे हों तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, कोई चीज़ मिक्सअप आप ना करें, आपके लिए मुश्किल ना हो। जिसमें हम थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में मैं आपको डिफाइन कर सकूँ कि कौन सी सेटिंग क्या है और क्यों है। ओके, दिस वन, इसमें फिर मल्टीपल एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली फॉन्ट की प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूँ, कि जो हमने अभी काम किया था लास्ट लेक्चर में EPL के ऊपर, उससे थोड़ा रिलेटेड। ठीक है, ये हमारे पास एक गाइड आ गई, दिस हमने बारकोड से पहले, पहला हमारा ये था FO एंड FS और उसके बीच में था फॉन्ट। अब फॉन्ट से पहले जो है ये उसकी विड्थ एंड साइज आ गई। BY जो है ये डिफॉल्ट वैल्यूज 3 dots फॉर द नैरो बार विड्थ एंड वाइड्स टू नैरो बार विड्थ रेशो। मीन्स कि उसकी आप कितनी रेशो रखना चाह रहे हैं उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए। BY जो है ये बेसिकली साइज को कंट्रोल करने के लिए, उसकी विड्थ। B3 is a barcode 39, 439. ठीक है, डॉट कैलकुलेटेड डिजिट ऑलरेडी बता चुके हुए हैं। ठीक है, फर्दर मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे चलते हैं, जो बारकोड की डेफिनेशन है उसके लिए, ताकि हमें कुछ चीज़ें मिल जाएं इंटरेस्टिंग सी, जिससे आपको आइडिया हो जाए। BY की तो आपको समझ आ गई, BY बेसिकली उसकी वेट को कंट्रोल करने के लिए। लेट्स मूव टू
So let me find the three and this one. ये चीज बेसिकली मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि बारकोड के फॉन्ट के बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज है ओ ई एच एफ जी, ओ मीन्स ओरिएंटेशन, अगर आप एन देते हैं नॉर्मल ओरिएंटेशन, अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हैं आर आई, और अदरवाइज आप उसको बी कर दें, तो पहली जो बी थ्री के बाद द फर्स्ट ऑप्शन है वो इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अगर आप बी थ्री एन करेंगे तो नॉर्मल ओरिएंटेशन है, आप उसकी ओरिएंटेशन को रोटेट करना चाहते हैं 90 डिग्री तो आर 180 डिग्री, ठीक है, और बॉटम टू आप 270 डिग्री। उसके बाद है जी ई, ई है जी चेक डिजिट मॉड 43, मीन्स कि आप इसमें चेक सम डालना चाह रहे हैं चेक डिजिट या नहीं, बाय डिफॉल्ट वो एन होगा, ठीक है, मीन्स कि आप बी थ्री एंड यहाँ पे आप कुछ भी नहीं डालते कामा, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालते कामा, तो बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू एन एन होगी, अगर आप एन और एन डाल देते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं। उसके बाद है बारकोड की हाइट, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट बाय बी वाई, बी वाई का हमने जिक्र किया कि अगर आप फॉन्ट की हाइट और उसकी थिकनेस को कंट्रोल करें तो हम बी वाई के थ्रू करेंगे, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू 1.2 आप यहाँ तक दे सकते हैं, अदर वैल्यू उसमें अगर आप देना चाहते, ठीक है, ओके, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे बी वाई से। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन लाइंस, ठीक है, कि इसके साथ जो बार्स के अंदर जो भी है जो लाइंस में है उसकी इंटरप्रिटेशन आपने शो करनी है या नहीं करनी, वाई बाय डिफॉल्ट विल बी अ वाई, अगर आपने बार कोड्स के नीचे शो नहीं करनी तो आप एन देंगे, अदरवाइज ये वाई कंसिडर होगी अगर आप कुछ भी नहीं देते। और फिर उसकी ओरिएंटेशन है कि ये जो बार्स आपकी प्रिंट हो रही हैं उसके अबव प्रिंट करना है या उसके बॉटम प्रिंट करना है, डिफॉल्ट वैल्यू नो है अगर आप उसके अबव प्रिंट करना चाह रहे हैं, मीन्स कि अगर आप इसको वाई करेंगे और इसको एन करेंगे तो वो बार्स के नीचे जो उसका नंबर होगा वो प्रिंट होगा, अगर आप इसको वाई और इसको वाई करेंगे तो बार्स के ऊपर जो है उसका नंबर प्रिंट होगा, लाइक कि आपका ये जो नंबर है मैं आपको शो करवा दूँ दिस वन, ये कि इन बार्स के अंदर क्या है, ये ऊपर प्रिंट करना है या नीचे प्रिंट करना है, तो वाई का मतलब है कि प्रिंट करना है, एन का मतलब है कि ऊपर नहीं प्रिंट करना, अगर इस एन को आप वाई कर देंगे तो ये यहाँ पे ऊपर प्रिंट होगा, ठीक हो गया। ये है जी हमारी डिफरेंट ओरिएंटेशन जो मुख्तलिफ आपके फॉन्ट्स हैं बारकोड के उनके साथ डिफरेंट है हर एक, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर मॉड थ्री की चेक डिजिट की चाहिए तो अपेंडिक्स डी के अंदर अवेलेबल है। ये वहाँ पे काम करते हैं कि आपके कुछ स्कैनर्स हैं कुछ एनालाइजर्स हैं हेल्थ केयर के अंदर जो जिनके अंदर चेकसम जो है वो फीचर अवेलेबल होता है, अगर आपके बारकोड में चेकसम आपने नहीं डाला चेक डिजिट नहीं डाले और जो आपकी एनालाइजर है या जो भी ऐसी मशीन है जिसने आपके बारकोड्स को रीड करना है और वहाँ पे चेक मोड अगर ऑन है तो उस केस में वो आपका बारकोड रीड नहीं करेगा, ठीक है, तो अगर जहाँ पे आपने नहीं रखा तो उसकी सेटिंग में जाके आपको उसको ऑफ करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने कर दिया जी एक ZPL है जिस तरह हमने EPL में किया था जी, बारकोड जो RS कोड है हमारी वो ओपन हो जाए, सबसे पहला काम। ओपन होने के बाद सेम वही हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस ब्ला 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 वो सारी चीज़ें, ठीक हो गया। वो लेने के बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया टेम
बारकोड इसको मैं कहता हूँ ZPL बारकोड स्ट्रिंग, ZPL बारकोड कर देते हैं मैं अगर स्ट्रिंग इक्वल टू, क्योंकि हमने एक चीज स्टडी की है कि हमारा बारकोड स्टार्ट होगा एक्स ए से एंड फर्स्ट वैल्यू विद एफ ओ, पहली फील्ड ओरिजिन जो आपने देना है फील्ड वो एफ ओ से स्टार्ट, ठीक हो गया जी। क्योंकि टेस्ट बारकोड प्रिंट पे हमने प्रिंट करना है ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया एक्स ए एफ ओ के साथ। उसके बाद मैंने कहा जी जो मेरा ZPL बार कोड है इक्वल टू ZPL बार कोड एंड उसमें फर्दर चीजें ऐड हो जाए, क्या चीज, हॉरिजेंटल स्पेस, क्योंकि हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेस वो सेम हम उसी तरह देंगे जिस तरह हम पहले दे रहे थे कामा के साथ जो हम मैनुअल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आप मैनुअल में आए तो हम शुरू में चले जाते हैं स्टार्ट में जहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे थे सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ठीक है, तो ये हमने हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेस हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, एक्स ए एफ ओ के बाद हमने ये काम करना है, तो हम वो काम करने लगे हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल स्पेस दे दिया, यहाँ पे हमने वर्टिकल स्पेस दे दिया, ठीक है, एंड उसके बाद हमने फॉन्ट देना है, ठीक है, यहाँ दो चीजें हमने दे दी, ठीक है, तो बार कोड हमने कहा एक्स ओ एफ ओ यहाँ पे आ गया, उसके बाद हॉरिजेंटल स्पेस वर्टिकल स्पेस, और जहाँ पे हमने फॉन्ट उठाना है तो मैं फॉन्ट उठा लेता हूँ ए जीरो एन, ठीक है, एक फॉन्ट है ये आपको मिल जाएगा जो हम स्टडी कर रहे थे ZPL प्रोग्रामिंग टू का जो प्रोग्रामिंग गाइड थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट 35 मैंने फॉन्ट कर दिया एंड एफ डी, एफ डी मीन्स फील्ड डेटा, फील्ड डेटा क्या है जी मेरे पास मी डॉट टी एक्स टी पेशेंट ने फर्स्ट एंड साइन मीन्स के कॉन्कर्डिनेशन में कर रहा हूँ, इसको मैंने एंड करना है एफ एस से, ये मेरा फील्ड की एंड होगी, ये जो फील्ड मेरी स्टार्ट हुई थी एफ ओ से उस फील्ड को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद हमने स्टार्ट करनी है नेक्स्ट फील्ड, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एफ ओ। अब नेक्स्ट फील्ड मेरी क्या है, नेक्स्ट फील्ड है जी मेरी अल्लाह भली बार करे यहाँ पे जो हमारी टेस्ट एंड ट्यूब्स थी वही काम जो हमने वहां पे किया था वो काम हम यहाँ पे करें। ZPL प्रिंटर जो थे हमारे और ये जो हमारा GX430T प्रिंटर है, इस प्रिंटर के डॉट्स जो हैं वो बारीक हैं, पतले हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा 2844TPL प्रिंटर जो है उसके मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हॉरिजेंटल वैल्यू है उसके अंदर हम वहाँ पे हमने ऐड किया था सॉरी वर्टिकल में 25 आई थिंक हमने ऐड किया था, हर एक के बाद यहाँ पे हमें आइडिया होगा हर एक के बाद हमने 25 डॉट्स हमने ऐड किए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वी स्पेस प्लस इक्वल टू 40 डॉट्स ऐड, ठीक है, क्योंकि इसका डॉट जो है वो काफ़ी बारीक, ठीक है। 40 डॉट ऐड करने के बाद सेम उसी तरह से हम जो हमने काम किया था ZPL के अंदर टेस्ट एंड ट्यूब्स का, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टेस्ट एंड ट्यूब्स का वही काम हम यहाँ पे ले आते हैं टेस्ट एंड ट्यूब, और इसको मैं 41 करेक्टर देता हूँ क्योंकि इसका डॉट जो है वो उसके डॉट से कम है, तो मैंने 10 डॉट्स 10 कैरेक्टर इंक्रीज कर दिए दोनों साइड्स पे। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ZPL बारकोड है इक्वल टू ZPL बारकोड एंड सेम उसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड
comma, vertical space, and यहाँ पे क्योंकि हमने ऊपर प्रिंट किया पेशेंट नेम, उसके बाद हमने प्रिंट करना है टेस्ट एंड ट्यूब्स जो हमारे पास है, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम फॉन्ट जो है वो मैं ले लूँगा, यहाँ पे हम ले लेंगे फॉन्ट A0M। अब इसका साइज मैं उसके साइज से थोड़ा सा कम कर दूँ 33। उसके बाद मैं देता हूँ FD, मेरा जो फील्ड डेटा है, फील्ड डेटा क्या है जी, एंड ट्यूब एंड टेस्ट, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे करना है FS एंड F0 और सॉरी FO फॉर द नेक्स्ट फील्ड, ठीक हो गया जी। फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था कि अलग अलग स्ट्रिंग्स बनाई थी एक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं Ctrl+C और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो ये आप कंकेटिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। मैं एक लाइन कमेंट कर ZTPL इक्वल टू ZTPL और ZTPL एंड इक्वल टू दिस वन, तो दोनों तरीकों से आप कंपिटिशन कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, ठीक है, जो आपको सूट करता हो आप कर सकते हैं। टेस्ट एंड ट्यूब्स हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हम अगेन इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर ऐड करेंगे कि ट्यूब्स के बाद जो है वो मेरा बारकोड कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं देता हूँ वर्टिकल स्पेस इक्वल टू 35 प्लस इक्वल टू 35, ठीक है। इसके नीचे मैंने क्या डालना है जी, बार्स डालने हैं। अब यहाँ पे बारकोड डालना है, तो बारकोड के लिए हमने EPL के अंदर तो सिंपल किया था, बारकोड की दो लाइंस हमने ऐड कर दी कि आपको किस किस्म का बारकोड चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, हमने हार्ड कोड कर दिया। लेकिन इस केस में हमने उसको प्रॉपर कोड के थ्रू करना है, तो मैं कहता हूँ CMD बारकोड टाइप डॉट सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू दिस वन हो टू ये, एल्स इफ, ठीक है, या आप इसको इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हर दफा इफ और फिर आप लिखें एल्स इफ CMD टाइप डॉट सेलेक्टेड आइटम इक्वल टू दिस, ये हो तो ये कर दे, ये हो तो ये। दूसरा आप काम कर सकते हैं सेलेक्ट केस मी डॉट CMD बारकोड टाइप डॉट सेलेक्टेड आइटम, यहाँ पे आप डाल सकते हैं केस ये हो तो ये कर दे, केस ये हो तो ये कर दे, केस ये हो तो ये कर दे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जिस तरह C# में स्विच केस है तो इसमें सेलेक्ट केस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्टेड आइटम हम सेलेक्ट किया हुआ हमने, तो पहला जो हमारा सेलेक्टेड आइटम है वो है बार कोड 128 बाइट, सेलेक्ट Ctrl+C बार कोड 128 ये कॉपी नहीं हुआ, चलो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी से बार कोड 128 नंबरिक हो तो ये हो जाए, एंड बार कोड 128 अल्फा नंबरिक हो तो ये हो जाए, ठीक है। एंड सिलेक्टेड आइटम जो है वो 439 3 मैं कर देता हूँ, बाकी जो है ये आपकी असाइनमेंट है, बाकी आपने करना है, ये वो ये, ठीक हो गया जी। 3 बार कोड्स के ऊपर हमने काम करा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ZPL इक्वल टू ZPL बार कोड एंड सेम वही काम, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस मस्ट है दोनों केसेस में,
वो यार मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ, हर दफ़र का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने बार को डिफाइन करना है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि बारकोड का जो साइज है, जो हमने बी वाई से पढ़ा था मैनुअल के अंदर, आप वो भी दे सकते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे, अगर आप देना चाहें तो। कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप नहीं देते तो यहाँ पे हम पहले बी वाई टू जो है बेसिकली, उसकी हमने वेट दे दी। उसके बाद मैंने कहा बी सी बार कोड 30, सॉरी 128 फॉर बी सी, एंड मीन्स के मुझे उसकी ओरिएंटेशन जो है वो नॉर्मल चाहिए, कॉमा, एंड मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो मैंने कहा बार कोड हाइट, ठीक है, एंड डबल कोड, उसके बाद था एन, उसकी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी, देन एन, देन एन, मीन्स के मैंने डिस्प्ले भी नहीं करवाना, मैंने उसकी ओरिएंटेशन भी नहीं चेंज करनी, और मैं नहीं चाहता कि ये उसके टॉप पे प्रिंट हो। एंड एफ डी, अब यहाँ पे हम उसकी क्लास डिफाइन करें, क्लास ए बी या सी। न्यूमेरिक जो है वो बेसिकली क्लास सी है, तो क्लास सी के लिए मैं ग्रेटर देन साइन प्लस सेमी कॉलन, ये उसकी क्लास सी है। यहाँ पे मैंने डिफाइन करना है क्या चीज़, जो हमारे पास मी डॉट टी एक्स टी बार कोड डॉट टेक्स्ट, ठीक है, मैंने बार कोड उसका दे दिया। अब मैंने इसको क्लोज भी करना है, तो टेक्स्ट के बाद एंड साइन और इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ क्या चीज़ जी, एफ एस, ठीक है, प्लस एफ ओ, इसके बाद अगर हमने नेक्स्ट वैल्यू लेनी है तो, ठीक है जी। ये मैंने इसे कहा बार कोड 128, ये इसकी क्लास को डिफाइन करता है। एफ टी जो है वो बेसिकली फील्ड डेटा है, फील्ड डेटा से पहले अगर मैं ग्रेटर देन और सेमी कॉलन डाल दूँ तो इसका मतलब है ये क्लास सी है। क्लास सी जो है वो सिर्फ नुमेरिक के लिए है, अल्फा के अगर बीच में करेक्टर्स आएंगे तो उनको एलिमिनेट कर देगा, प्रिंट नहीं होने देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, यही काम अब हम आते हैं बार कोड 128 पे, अगर केस बार कोड 128 हो तो ये हो जाएगा फुल कॉलन, आप डाल देंगे अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए विद बी वाई टू के साथ, ठीक है। तो फॉन्ट को हम देख लेंगे, अगर टू या थ्री में कुछ कमी हुई तो वो हम बाद में रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, अगर बार कोड हमारा 39 है, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, यहाँ ले आया एंटर, तो ये हो जाएगा B3N, ठीक है। अब B3N की जो पैरामीटर्स हैं वो उसमें जो हाइट है वो बाद में है और ओरिएंटेशन पहले है, ठीक है। B3N ओरिएंटेशन, देन उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी एंड उसके बाद हाइट है, जबकि जो 128 है उसमें पहली प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी हाइट है। बारकोड 39 में दो प्रॉपर्टीज के बाद थर्ड जो है वो हाइट है, ठीक है। तो ये आपने कीप इन माइंड, इस बात को क्लियर रखना है, और इसके आगे उसकी कोई क्लास नहीं है, इसलिए एफ डी के साथ कोई भी क्लास ऐड नहीं हो, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बारकोड्स का, यहाँ तक का खाता कि हमने बारकोड्स को ऐसे। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास जो हमने किया है वो जो शो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है फॉन्ट के साथ, वो है हमारा विजिट नंबर, ठीक है। हमने नेम ऐड करवा दिया, हमने इन दोनों को कंबाइन करके शो करवा दिया, बारकोड हमने शो करवा दिया, तीन किस्म की टाइप्स को मैंने कोड के अंदर लिखा, और लास्ट जो है वो हमने विजिट नंबर को देना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हर एक के लास्ट में एफ ओ, एफ ओ मीन्स के हमारी नेक्स्ट फील्ड स्टार्ट हो रही है।
अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं वर्टिकल स्पेस के अंदर ऐड कर देता हूँ क्या चीज, प्लस इक्वल टू बारकोड हाइट प्लस 5, ठीक है, 5 पिक्सल बारकोड हाइट के साथ। उसके बाद मैं आता हूँ, मेरा ZPL बारकोड इक्वल टू ZPL बारकोड एंड अगेन हाइट एंड स्पेस ब्ला ब्ला ब्ला, या चाहिए चाहिए तो ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हमने फॉन्ट ऐड करना है सेम एज इट इज, आई लव द फॉन्ट A0N, ठीक है, गामा। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रखना है पेशेंट नेम से, या मैं पेशेंट नेम के बराबर भी कर सकता हूँ, सेम लाइक अगर वहाँ पे 35-35 था तो मैं उसको 35-35 भी कर सकता हूँ, मैं उसको 40-40 के साथ भी प्रिंट कर सकता हूँ, कि फॉन्ट में चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए उस केस के लिए, ठीक है जी। हमने साइज दे दिया, उसके बाद हमने कहा जी फील्ड डेटा, सो FD फॉर द फील्ड डेटा, सॉरी, एंड me.txt विजिट नंबर डॉट टेक्स्ट। एंड अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, फील्ड को FS जिस तरह हम यहाँ पे तमाम जगहों पे करते हैं, एंड साथ में ही हमने उसकी लेबल के फॉर्मेट को भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा XZ फॉर लेबल को क्लोज कर। तो यहाँ पे हमारा जी पूरा एक बार कोड हमारा यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से इसमें हमने XA से स्टार्ट किया, फील्ड ओरिजिन दिया, फिर उसमें हमने पेशेंट का नेम दिया, फिर हमने कैश ट्यूब दी, फिर हमने बार कोड दिया, बार कोड देने के बाद हमने विजिट नंबर दिया, फील्ड क्लोज की एंड फॉर्मेट को क्लोज कर। अब ये चीज हम क्या करेंगे, RS-23 पोर्ट के ऊपर राइट कर देंगे, राइट ZPL बार कोड एंड RS-23 पोर्ट डॉट क्लोज, हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया जी हमारा ZPL का प्रिंट, इन केस अगर कोई ऐसा एरर आता है तो मैसेज बॉक्स में शो करना। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, जो इस क्योंकि इस बारकोड के पिक्सल जो हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, मीन्स के डॉट बारीक है तो पिक्सल इसमें ज़्यादा हैं, तो मैं इसमें जो सबसे पहला काम करूँगा, ओप्स, मेरा पोर्ट मेरी ऐड नहीं है, बारकोड लेबल उतरा हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ, पोर्ट 17 मेरे पास आ गई, बारकोड हमने ZPL सिलेक्टेड है, ठीक है, तो मैं इसको 140 कर देता हूँ, वहाँ पे 95 किया था, इसको मैं 140 कर देता हूँ, और बार कोड 128 नुमेरिक जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, 17 बार कोड नुमेरिक एंड टेस्ट प्रिंट, ठीक है। वन प्रिंट इज B/2 जो है इसके लिए बहुत कम है, एंड लास्ट वैल्यूज जो है वो भी थोड़े तो मजे के नहीं है, सो मैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिक है तो यहाँ पे आएगा, टेस्ट प्रिंट देते हैं और इसको मैं B/3 कर देता हूँ, तो फॉन्ट थोड़ा सा मोटा हो जाए, ठीक है, और हम इसमें लास्ट में टॉप पे हमने क्या रखा था, A0N30 and 35 कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेस कहाँ, वर्टिकल स्पेस, ओके, हमने फॉन्ट का स्टार्ट नहीं, इसको मैं 40-40 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 40 and 40। मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है और मेरा जो बिल्ड था प्लेटफॉर्म वो 86 है, इस वजह से मैं रन टाइम पे चेंज कर पा रहा हूँ, अगर आपने इसको एनी प्लेटफॉर्म रखा हुआ है तो वो मुश्किल होगा। लेट्स स्टार्ट अगेन, मैं यहाँ से प्ले का बटन प्रेस कर देता हूँ, दैट्स गुड, लुक्स परफेक्ट, बट
थोड़ा सा जो हमारा वर्टिकल स्पेस है वो कम है, वो मैं 20 कर देता हूँ एंड हटा देते हैं हम इसको मिड पॉइंट को एंड टेस्ट को। 30 20 भी कम है, मैं वर्टिकल जो है वो 30 कर देता हूँ। नेम ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है, टेस्ट प्रिंट। आई थिंक इट्स परफेक्ट। कंटेनर जो है वो 24 कंटेनर सेलेक्ट हो रहा है। मैं रेड ग्रीन येलो टेस्ट दैट्स परफेक्ट। थोड़ा सा हम ऊपर से म्यूजिक में नीचे कर देता हूँ 35, और फॉन्ट जो है बारकोड की हाइट को 145 कर देते हैं एंड टेस्ट प्रिंट। इट्स परफेक्ट। नाउ मैं इनकी सेटिंग्स लिख के प्रिंट कर देता हूँ। हाँ, इसके साथ हम बाद में इसकी पिक्चर्स लेके आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये है जी 128। टाइप सी, ठीक है, नंबर एक। ठीक हो गया जी, इसकी मैं पिक्चर लेके मैं शेयर कर दूंगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट करते हैं कोड 39 विद द सेम स्टार्ट टेस्ट प्रिंट। वाह, दैट्स परफेक्ट। एंड देन सेलेक्ट 128 टेस्ट प्रिंट, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 128 नंबरिक रखा और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड ए बी सी। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 1 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 को प्रिंट करेगा, बाकी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये नंबरिक टाइप है। और अगर मैं इसको हटा के भी प्रिंट करूं तो दोनों लेबल्स का साइज जो है वो सेम रहेगा। ये आपको नजर आ रहा है, एलसीडी की लाइट भी पड़ रही है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो देखने में। मैं इसको पास में करता हूँ लाइक दिस, दोनों का साइज सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी नंबरिक वैल्यू है सिर्फ उसको प्रिंट करेगा, बाकी वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा लाइक दिस। ठीक हो गया, दोनों सेम है। पहला जो था वो ए बी सी के साथ भी था, ए बी सी उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये नंबरिक टाइप है। ठीक है, 439 एंड 128 विद द डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 ABC 1 2 3 4 5 6 एंड द सेकेंड वन वाज कोड 39। जो हमारे पास कॉम्पोर्ट 3, गलत कॉम्पोर्ट सेलेक्ट थी तो वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है। हमने कॉम्पोर्ट जो है वही देनी है जो आपके
एंटर की है, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं एग्जिट को बार बार चला रहा हूँ, इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हो रही, और हम टेस्ट प्रिंट भी सेव करवा भी नहीं रहे कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से। ओके दिस वन इज बारकोड 39 128 type A। ठीक है, तो ये हमने सक्सेसफुली तीन किस्म के बारकोड जो हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, बारकोड 39 एंड बारकोड 128, 128 न्यूमेरिक जिसमें टाइप सी जिसको हम कहते हैं, और 128 अल्फा न्यूमेरिक जिसको हम टाइप ए और बी कहते हैं। बाकी जो है वो बारकोड ये आपने खुद प्रिंट करने हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप केस लगाते जाएंगे और उस केस में इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करके इन एरियाज को हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको काफ़ी इजी लगा होगा और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हुई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई इसमें से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे वे में आपको हम सिखा सकें नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा वो हम इससे वन स्टेप फर्दर मूव करेंगे कि हम एक विंडो सर्विस बनाएं और यहाँ पर हम टेस्ट प्रिंट करने के बाद जब सेट कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो उसके बाद हमारी विंडो सर्विस जो है वो स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होने के बाद हम डेटाबेस में एंट्री डालें और डेटाबेस से विंडोज सर्विस उसको प्रिंट करे, उसकी जो भी लोकेशन और जो भी फॉर्म जिस फॉर्म से एंट्री हुई है उसके मुताबिक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह विंडोज सर्विस से पहले हम डेटाबेस एक छोटी सी डिज़ाइन करेंगे, जो सिंपल सी वन टेबल टेबल डेटाबेस होगी, उसके अंदर हम कुछ कॉलम्स वगैरह रखेंगे और क्यों रखेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, और फिर हम सर्विस के ऊपर आएंगे और बिजनेस लॉजिक लेयर बनाएंगे, उसकी टाइमर सर्विस की अपनी जो विंडो सर्विस की डिटेल है उसको स्टडी करेंगे कि विंडो सर्विस क्या होती है, कैसे बनाते हैं। तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। बारकोड जो है वो मैं आपको एज अ पिक्चर शेयर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर अभी आप अभी तक आपने अगर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो हैं आपको टाइमली मिलते रहे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।